एक तरफ सादिक और अमीन कयादत और दूसरी तरफ माफिया टबर। फर्क मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में सफ़र किया जिसका कुल खर्चा 21 लाख रुपए बनता था और वो उसके मजाज नहीं थे। उस पर चेयरमैन नैब ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दिया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इमरान खान दोनों ने नैब के इस कदम का खैर मकदम किया। पीटीआई का इमरान खान के खिलाफ नैब के नोटिस का खैर मकदम, इमरान खान की जानिब से हेलीकॉप्टर के जाती इस्तेमाल की तरदीद। बावजूद इसके कि इमरान खान ने कभी जाती हैसियत या मजाज वजीर के अलावा कभी हेलीकॉप्टर में सफर नहीं किया। तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि इमरान खान कभी भी हेलीकॉप्टर को जाती इस्तेमाल में नहीं लाए। दूसरी तरफ है माफिया टबर की हुकूमत जो अरबों की करप्शन के इल्जाम पर ढीठों की तरह तावुन से इनकारी हुई बैठी है। कुछ इदारे, स्पेशली मैं हुकूमत पंजाब के इदारों की बात कर रहा हूँ, उनसे अदम तावन की भी शिकायत, अदम तावन की जो रवैश है इसको मेरा ख्याल है कि आप खत्म करें। और नैब के बार बार रिकॉर्ड तलब करने पर भी तावन नहीं कर रही। नैब एलानिया कहता है कि कंपनी स्कैंडल से मुतालिक 4 खत लिखे, किसी खत का जवाब नहीं मिला, किसी खत का जवाब नहीं मिला। बल्कि शोबाज शरीफ चेयरमैन नैब को धमकियां लगाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा है कि चेयरमैन नैब का असल चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगा। नैब का असल चेहरा है क्या? रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये है फर्क सादिक और अमीन कयादत और सिसिलियन माफिया कयादत में।